दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में यूं तो आपने एक से बढ़कर एक कई टैलेंटेड आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन क्या उनमें से कोई भी इन तीन बौने कलाकार जूही असलम, लिलिपुट और गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ पाया है? नहीं ना, भला ऐसा हो भी क्यों ना। छोटे कद के बदौलत इन्होंने भले ही कई कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन आज यही बौने कलाकार छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुए हैं, जो आज हरे कलाकार पर भारी पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार इन्हें सफल होने के लिए कितनी गंभीर परिस्थितियों और संघर्ष का सामना करना पड़ा है? जी हाँ, इन बौने कलाकारों की संघर्ष की कहानी बेहद ही दर्दनाक रही है। तो आखिरकार क्या है इन तीनों ही कलाकारों के संघर्ष की पूरी कहानी और कैसे बने ये टीवी के टॉपेस्ट कलाकार, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले इन तीन टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। पहले बात करते हैं छोटे कद की खूबसूरत अदाकारा जूही असलम के बारे में। अभिनेत्री जूही असलम 8 अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में जन्मे एक ऐसी लड़की थी जिसने शुरुआती दौर से ही एक अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन इनके कम हाइट की वजह से इन्हें आगे बढ़ने के लिए लोगों के कई नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा और इसीलिए अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुकी थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और इसीलिए इनकी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिसने इनकी जिंदगी की पूरी काया ही पलट दी। दरअसल जब एक दिन जूही असलम कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तो उसी दौरान कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी अपने सीरियल बाबा एसओ व ढूंढो के लिए एक लड़की की तलाश में थे और उसी दौरान इनकी निगाहें जूही असलम पर पड़ी, जिन्होंने पहली ही नजर में इन्हें अपने सीरियल की लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुन लिया था। और यहीं से शुरू हुई जूही असलम के एक्टिंग करियर की शुरुआत, जिन्होंने साल 2010 में बाबा एसओ व ढूंढो में भारती का किरदार निभाकर देश भर के लोगों को अपना दीवाना बनाया और इसलिए आज ये किरदार इनकी पहचान बन चुका है, जिन्हें इस किरदार के साथ साथ बड़ो बहू, कबूल है, इस प्यार को क्या नाम दूं और अधूरी कहानी जैसे कई शोज के लिए भी जाना जाता है। वहीं अब बात करते हैं टैलेंटेड आर्टिस्ट लिलिपुट के बारे में। बिहार के गया शहर में जन्मे दिग्गज अभिनेता लिलिपुट को भी अभिनेत्री जूही असलम की तरह अपनी छोटी हाइट के लिए लोगों के ताने और कई दूसरी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसने लिलिपुट को इतना ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया कि अपनी पूरी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में आई सभी कठिनाइयों का सामना किया और निकल पड़े अपने नाम को एक नई पहचान देने के लिए मुंबई की ओर, जहां इन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। हालांकि कई बार इन्हें हार मिली, लेकिन साल 1985 में इन्हें सीरियल इधर उधर में सुधीर का किरदार निभाने का सुनहरा मौका मिला। हालांकि ये सीरियल कुछ खास तो पसंद नहीं किया गया, लेकिन सीरियल में लिलिपुट के अभिनय प्रदर्शन की इतनी सराहना की गई कि इन्हें इसी साल सागर फिल्म में चीना के किरदार के लिए कास्ट किया गया और वहीं से शुरू हुई इनके नाम की एक असली पहचान, जिसके चलते इन्हें छोटे और बड़े दोनों ही पर्दों पर एक खास पहचान मिल चुकी है और इसीलिए आज भी दूरदर्शन के पॉपुलर शो इंद्रधनुष के साथ साथ बंटी और बबली और कामयाब जैसे कई फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ये हमें कुछ समय पहले ही पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में दद्दा के किरदार में दिखाई दिए थे। और अब अंत में बात करते हैं अपने ठाकों से हंसी की बौछार करने वाले अभिनेता गोस्वामी के बारे में। बिहार के छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में जन्मे गोस्वामी को भी अपने बौनेपन की वजह से अपने नेबर्स, स्कूलमेट और कई दूसरे लोगों से कई तरह के तानों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमेशा से इनके पिता इनकी ढाल बनकर खड़े रहे थे और इसीलिए इन्होंने अपने पिता के सहारे अपने नाम को एक नई पहचान देने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत की। हालांकि बचपन से ही इन्हें एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी और इन्हें 10 साल में ही एक्टर बनने का ऑफर मिल चुका था और उसके लिए इन्होंने काफी बड़ा अमाउंट भी दिया था, पर इनके पिता नहीं चाहते थे कि वो कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया को अपनाए, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के कुछ समय बाद ही साल 1997 में आई बी ग्रेड फिल्म काम सीन से एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था, जिसने इन्हें कुछ खास पहचान दिलाने में मदद तो नहीं की, लेकिन ये सभी के नोटिस में आ गए थे। इसी के चलते इन्हें आगे चलकर कई फिल्मों के लिए कास्ट किया गया, लेकिन फिल्मों में इनका सिक्का कुछ ज्यादा नहीं चल पाया और इसीलिए इन्होंने छोटे पर्दे का रुख अपनाया, जहां ये कई सीरियल्स का हिस्सा बनकर इतने पॉपुलर हुए कि आज भी गुटरघू के पप्पू, शक्तिमान के खली पली और शिव फिर कोई है के गबरू के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें आज किसी तरह की पहचान की कोई जरूरत नहीं।
तो दोस्तों, आप इन तीनों ही बोने कलाकारों के संघर्ष के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।